हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू भुंतर ईएनटी डॉक्टर के पास। यहाँ पे एक्चुअली डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कोई भी अच्छा डॉक्टर हमें कोई भी क्लोज नहीं है, अच्छे तो हैं, कोई भी क्लोज कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं है। तो इसके लिए कुल्लू जाना पड़ता है या भुंतर जाना पड़ता है अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना हो। तो कुछ 2 वीक्स पहले एक्चुअली मेरा ईयर थोड़ा सा डैमेज हो गया था, तो कान के पर्दे में हल्का सा होल हो गया था। डॉक्टर ने 2 वीक्स का टाइम दिया था रिकवर करने के लिए, तो और मेडिसिन दी थी। तो आज हम दोबारा जा रहे हैं दिखाने के लिए। आई होप इट विल बी बेटर। एंड मेरे बाल थोड़े से बड़े हो गए, लंबे हो गए। लास्ट ईयर एक्चुअली आई शेव्ड माय हेड, और उसमें क्या है कि एकदम आई विल शेयर माय पिक्स, जो मेरी पुरानी पिक्स हैं। तो और इट वॉज एन ऑसम एक्सपीरियंस, बिल्कुल हेड शेव करके मुझे ऐसे लगता था जैसे मोक्ष जैसी प्राप्ति हो गई है वैसा। तो अभी मेरे बाल थोड़े लंबे हो गए हैं। अभी बीच बीच में कई बार मैं सोचती हूँ बालों को लंबा करूँ या फिर से वैसे शेप करूँ, हेड को शेप करूँ। आप लोग बताना, मैं अपनी पिक्चर शेयर करूँगी पुरानी जिसमें मैंने अपना हेड शेप किया हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि सजेस्ट करना मुझे कि भाई लंबे करने चाहिए और या हेड शेप करना चाहिए। और आज मौसम बड़ा अच्छा है, रात भर बारिश होती रही एक्चुअली कल से, और हम लोग को एक्चुअली लग भी रहा था आज जा भी पाएंगे कि नहीं, पर लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है। और आप कुछ बताइए आज के दिन के बारे में। सुप्रभात है ना? सुप्रभात। मेरी थोड़ी हिंदी वो है, वैसे तो अच्छी है बट शुद्ध शब्दों का थोड़ा सा उच्चारण थोड़ा सा वो दिक्कत होती है। ठीक है, उसके पीछे रीजन द पीपल हु नो मी उनको पता है क्या रीजन है। सो आज एज शी टोल्ड कि मौसम बहुत ऑसम है और वी आर गोइंग टू द डॉक्टर। और तुमने ये नहीं बताया कि छोले भटूरे, सॉरी छोले समोसे मिलते हैं यहाँ, बहुत टेस्टी। तो शी इज़ प्लानिंग कि वो खाएगी। एंड देर वॉज अ टाइम कि मैं ना पूरे दिन भर में कितना टाइम खाना खाता था, एक बार ठीक है। सो आई यूज टू ईट वंस इन अ डे, और फिर व्हेन आई मेट हर, फिर उसके बाद कितने कितने टाइम हो गया, फिर 3 टाइम खाना शुरू किया। थ्री टाइम ठीक है, उसमें भी फिर घी भी ज्यादा खाना शुरू कर दिया। आई यूज टू अवॉइड द थिंग्स बेसिकली, चटर पटर आल्सो। और एक टाइम था आई यूज टू, जब कॉलेज में थे प्रैक्टिस वगैरह करते थे, तो 20-20 रोटी खा जाता था मैं। लोगों ने देखा हुआ है, जो पुराने लोग हैं मुझसे कनेक्टेड, दे नो मी। ठीक है, 20 रोटी फिर प्लस चावल सब्जी ये वो अटरम शटरम। फिर मुझे एक टाइम पे ये लगा कि इतना खाना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, और अगर आप ही सारा खा जाओगे तो बाकी लोगों के लिए क्या बचेगा। सो वी शुड सेव दिस ऑल्सो। और फिर मैंने धीरे धीरे अपनी डाइट कम की, 8 रोटी पे आया आज से। फिर आज 4-5 रोटी आई थिंक खाता हूँ मैं। ठीक है, उसके पीछे भी रीज़न था कि मैं को ये लगने लगा था कि बिल्कुल कम कर दूँ डाइट। और कई बार फास्टिंग भी बहुत तगड़ी फास्टिंग करता था मैं। सो आई यूज टू अवॉइड फॉर 3 डेज, पानी छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया। और बट अब काफ़ी टाइम से मतलब बेटर है, अब खाली ट्यूसडेज और जनरली सैटरडेज के फास्ट रखे जाते हैं। बट उसमें भी अब ऑप्शन थोड़ा चेंज हो गया है, ट्यूसडे वाले दिन मीठा खाए जाओ, ठीक है, बाकी दिन आप अवॉइड करो। फॉर एग्जांपल जैसे सैटरडे है, एक्चुअली थोड़ा सा ये होता है कि जैसे यहाँ पर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि एक तो स्नो पड़ जाती है तो आना जाना भी मुश्किल होता है। तो मोस्टली क्या होता है, ठंड का टाइम है तो मन करता है और नहीं तो हलवा ही बना के खा लो, फास्ट का दिन है तो वो थोड़ा सा है। लेकिन ट्यूजडे वाले दिन थोड़ा मीठा खाया जाता है, सो इस वजह से हम लोग ये सब चीज़ें खा लेते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, हम लोग सोच रहे हैं कि आज गर्म गुलाब जामुन और साथ में छोले समोसे खा के आए, क्या कहते हो? देखो, मैं जब इनसे मिला था, सो आई यूज टू अवॉइड एवरीथिंग। मैं फास्ट फूड नहीं खाना, उल्टा सीधा नहीं खाना। और मैं सही बताऊँ ना, मेरी गर्लफ्रेंड कहीं रही और मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेक ऑफ के रीजंस भी ये रहे कि आई वाज वेरी मतलब इनटू कि हेल्दी खाना। उसके बाद जब मैं इनसे मिला, आई थॉट कि चलो ये हेल्दी खाती होगी, बट ये सबसे ज़्यादा चटर पटर खाती है। ठीक है, पिज्ज़ा विज़ा ये वो अटरम शटरम, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें अवॉइड की थी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। अब थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट किया है बट इतना भी नहीं, बट एज कम्पेयर टू हर मैं तो बहुत कम हूँ, ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के पीछे पड़ती है। तो मैं अवॉइड करवाता हूँ कि ना खाया जाए ये सब चीज़ें। एक्चुअली होता क्या है ना, एक तो यहाँ पर वैसे
वो तो है नहीं, जोमेटो वगैरह तो है नहीं कि किसी भी चीज़ की तुरंत डिलीवरी हो जाए, तो वैसे देखा जाए तो बहुत कम है यहाँ पे खाने की ऑप्शंस। लेकिन अब जैसे क्या है ना, ऐसा ही साइड के मौसम अच्छा है तो मन करता है चलो छोले समोसे खा लो, या फिर फास्ट है तो ठंड बहुत ज़्यादा है तो लगता है कि चलो हलवा ही बना के खा लो। इज इट बैड बताओ? इट्स बैड मे, हाँ मेरी एक और बुरी आदत है फास्ट फूड आई डोंट लाइक, बट यहाँ पर वो होता है थुप्पा, दैट इज वेरी नाइस, ठीक है लोग ट्राई करना है, सूप नूडल्स वो कभी कभार मेरे को पसंद है, मतलब फास्ट फूड में अगर देखा जाए तो ये तो सब कुछ खाती है, बर्गर खाएगी, फिर यहाँ पर लिट्टी चोखा स्टार्ट हो गया है, डेली जैसा टेस्ट नहीं है बट ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इतने ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस के लिए आपको जाना है तो फिर मेन मनाली में जाओ, ठीक है वहाँ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट वहाँ पर भी डेली जैसा वो नहीं रहा, मतलब जो दिल्ली में चीज़ें मिलेंगी वो कहीं नहीं मिल सकती। दिल्ली में यू विल फाइंड साउथ इंडियन, यू विल फाइंड कौन कौन से वो जितने भी भर की चीज़ें होती है वो सब मिलेगा आपको। दिल्ली पीपल आर वेरी फूडी और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और चीनी बहुत खाई जाती है यहाँ पर, सो हम लोग तो अवॉइड करते हैं कि चीनी कम से कम डलें, क्योंकि किसी के घर पर गए चाय के बगैर कोई आपको निकालेगा नहीं अपने घर से बाहर, घुसे तो चाय पी के जाना पड़ेगा। इवन वी यूज ब्राउन शुगर। हाँ तो बताओ। हाँ हम लोग व्हाइट शुगर अभी यूज नहीं करते हैं, हम लोग ब्राउन शुगर यूज करते हैं उसकी जगह पे, तो इन दैट वे, और कोशिश करते हैं कि कम से कम शुगर एटलीस्ट यूज करें, बिकॉज एज दी सेड के किसी के घर जाओ तो चाय पिए बिना कोई निकलने नहीं देता, और ऐसे लगता है चीनी फ्री में मिल रही है यहाँ पर। हाँ हम लोग कई बार ये लोग हम लोग यही बात करते थे कि इनको फ्री में मिलती है क्या चीनी राशन में, या पता नहीं कैसे करके कि इतनी चीनी डालते हैं, और बोलो भी कम तो भी डलेगी ज्यादा। तो जो लोग शरबत पीना चाहे वो लोग वो के लिए दिस प्लेस इज द बेस्ट प्लेस, जिनको शुगर कम चाहिए उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, दे नीड टू प्रिपेयर देयर ओन टी, सो दिस इज द थिंग। और बाहर का मौसम भी, बाहर का मौसम थोड़ा सा दिखा सकते हैं आपको, अभी हम लोग कुल्लू पहुंच गए हैं तो आई विल शो यू फ्रॉम द आउटसाइड। देखिए रिवर साथ में थोड़ा सा, अब कुल्लू जब हम पहुंचते हैं तो दिल्ली जैसी फील आनी शुरू होती है, ट्रैफिक शुरू हो जाता है, गाड़ियां शुरू हो जाती हैं, यू कैन सी लॉट ऑफ रश अराउंड, और एकदम ट्रैफिक जैम कई बार हो जाता है यहाँ पर लिटरली फॉर आधा आधा घंटा के लिए। मैं बोल रहा था कि यहाँ शुगर बहुत ज़्यादा डाली जाती है, माइट भी लोगों को ये लगता है कि हमारे जो गेस्ट हैं उनको मतलब अच्छा लगे पीने में, बिकॉज आई यूज टू डू दिस थिंग, माई मॉम यूज टू हैव डायबिटीज, और मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती थी चाय वाय बना दे, तो मैं जब भी चाय बनाता था उनके लिए उसमें शुगर डाल देता थोड़ी सी, मुझे लगता था काश उनको अच्छी लगे, एंड शी यूज टू लाइक, पता नहीं उन्होंने कभी पकड़ा नहीं ये चीज़ तो, बट ये होता था थोड़ा शुगर डालने से हो सकता है कि अच्छा हो वो, ये हो वो, माइट बी दिस इज द रीजन, तो उनको लगता है कि थोड़ा सा पी लो। आज खांसी सी ज़्यादा हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, एक्चुअली एक बुरी हैबिट है वो छोड़ रहा हूँ, ठीक है माइट बी उसका साइड इफेक्ट है, आई विल टेल यू व्हाट इज दैट बैड हैबिट। और हाईवे पे हम लोग बड़ा सही मतलब चल रहा है, यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है अभी बिल्कुल भी, माइट बी बिकॉज ऑफ ठंड, दिखाना एक बार वहाँ पर व्यू सामने, ये देख सकते हो हाईवे कितना सही है, दिल्ली नंबर गाड़ी दिल्ली से है बीसी, हम भी दिल्ली से ही है बेटा, कोई नहीं जाने दो आज उसको, अपनी नैनो का सुपर टॉय कार वैसे किसी को टिकने नहीं देती, क्यों क्या एक्सपीरियंस है नैनो का,
नैनो का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एक्चुअली. मुझे ऐसे लगता था पहले कि नैनो पता नहीं, मतलब मुझे ऐसे लगता था पहाड़ों में तो एकदम नहीं चल सकती, बट लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा. इवन स्नो में भी जहाँ पे बाकी की गाड़ियाँ फंस जाती हैं वहाँ से भी नैनो निकल जाती है. निकालने वाला होना चाहिए बंदा, ठीक है. आपको अगर निकालना आता तो आप कहीं से कुछ भी निकाल सकते हो. एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ नैनो द सुपर टॉय कार. मैं तो यही कहूँगा, गाड़ी ठीक है, मस्त है, सस्ती है, एवरेज अच्छी है. हाईवे पे 27 की एवरेज है एंड लोकल पे 20 की एवरेज दे देती है हमें ये. तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कार. टुडे प्रशांत केम हेयर फॉर द डेंटल ट्रीटमेंट, दांतों की क्लीनिंग वगैरह के लिए. ये भुंतर है और यहाँ पर हम आए हैं. अब थोड़ी धूप निकल आई है तो मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो गया है. तो ये डेंटल हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, क्लीनिंग वगैरह का दांतों का. As you can see, now you will see his bright smile in videos. Dr. Richa hai, she was the best. मतलब इनका हार बहुत क्लियर था. मैंने appreciate भी किया बीच-बीच में इनको, because कई बार क्या होता है कि वो pain होता है, but आपका पता था perfect कहाँ से क्या करना है. तो आप लोग अगर कभी आना चाहो तो आ सकते हो. She is in Kullu Bhuntar. ये चौक बोलते हैं ना? इसको बोलते हैं जी मणिकरण चौक से आगे पड़ता है, मणिकरण रोड पड़ता है. मणिकरण रोड पारला भुंतर पड़ता है. कौन सा? पारला भुंतर. पारला भुंतर. ये कार्ड है इनका, मैप का.